मस्ती विद भट्टी लगे समझ के नहीं भाई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। मस्ती विद भट्टी, मस्ती मस्ती जिंदगी में मस्ती। सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुन एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। की हाल है सोने, की कर रहे हो, की रौले पाए हुए है, सानू भुला के नवे सज्जन बनाए हुए है। और मैं क्या केड़ी चक्की दा आटा खांदे हो, मर जाने हो, सोने हो जांदे हो। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सुनने वाले खैर ऑफियत से होंगे। बकौल उस्ताद मोहतरम, दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आप आवाज का उतार चढ़ाओ चेक कर रहे हैं भाई जी? तरक्कियां, सक्सेस, ओह माय गॉड। एनीवेज, वापस आते हैं इंट्रो पे। सुनाओ सोनियो, कितना लंघ दी जिंदगानी। एंड व्हाट अबाउट द शाइन शाइन पीपल, यानी कि पढ़े लिखे लोग जो कि सप्ली के बगैर जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए और उनके अंग्रेजी और मैथ में 100% आए। लविश स्कूल, जिनके लंच बॉक्स में सैंडविच होते हैं, पराठा नहीं। शुरू गरीबो, so what about shansha people, hello, hi, how are you and how do you do? Each and everything is all about angrezi. If you don't speak in English from the starting of the show, then everybody's thinking he's a very pendu guy. Oh yes, I am. In fact, I'm proud to be a pendu cause I like desi food, desi dresses. I like you, I love chingam, I love baraf. Sama jagam, I lots of pendu, so very proud to be, of course, pendu. East or your west, pendu is the best. Easily ho jata adjust, na koi warrant, na koi arrest. शुरू हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई खास बात बिल्कुल नहीं होने जा रही। हम आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी जवाब का। मैं रहता हूं मुंतजर इनाम का झांसा देकर। दो घंटों के लिए आपको हरगिज हरगिज भी एंगेज नहीं किया जाएगा इनामी शो के पास। इसका झांसा ना पहले कभी दिया ना आज देंगे। सो नो रेसिपीज, नो ब्यूटी टिप्स। घर का राशन हो या मुंह का डिजाइन, दोनों तबाह करने के तरीके प्रोग्राम में नहीं बताए जाते। सितारों काल कभी मैंने आपको बताया नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं जालिया मिल जुमी बंगाली बाबे से। इसलिए डू व्हाट यू वांट के फॉर्मूले पे चलता है ये शो। अगर आपको लगे चंगा तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर चंगा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। ये खालिस और देसी शो है, इतनी जल्दी हजम होने वाला नहीं, इसलिए हॉली हॉली स्लोली स्लोली चंगा लग जाएगा। वैसे भी अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस शो इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर मेंटल स्टेट आल्सो। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द इंट्रोडक्शन हैव बीन क्लोज। तिपटी आ गया मैदान में हे जमाल। खवातीन हजरात, अपनी मान नाल दसो, हर बंदा अपनी जात दे विच ओवर एक्टर नहीं बने होया। ओए मेरी काम के ओवर एक्टर हो, अस्पताल किसी का पता लेने चले जाएं ओवर एक्टिंग शुरू, शादी ब्याह पे ओवर एक्टिंग शुरू, मल्ले में वावड़ा वाला बल्ब चेंज कर रहा होगा थले 20 बंदा खलोगे ओवर एक्टिंग। एवी मुखालफत बराए मुखालफत दे विच ओवर एक्टिंग, खुद अपने जिम्मे टगा भी नहीं होगा। आप पूछे ना आपके क्रेडिट पे क्या है, कुछ नहीं, तो ओवर एक्टिंग क्यों करें एवी। जस्ट लाइक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप
एक बंदा उसके फ्रैक्चर हो गया टांग पे, अव्वल तो हॉस्पिटल एक आधे बंदे को जाना चाहिए क्योंकि वो अटेंडेंट जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन वहाँ पाँच पाँच सात सात की टोली जा रही उन्हें देखण। एक दफ़ा देख लें सिर्फ तेरे देखने नाल, एडा तू पीर का मुंडा ना तेरे देखने नाल ठीक हो जाएगा। अच्छा उसका भाई बाहर आके बता रहा है जी अब जो आसिफ है वो ठीक है, आगे से बेहतर है। नहीं वो तो है लेकिन सन देखना तो चाहिए ना। ले अच्छा आप आसिफ तक पहुंच गए। ओए होए 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 किस तरह होया आसिफ लम्मा पिया, उन्हें होंडे 125 तो तीन छलांगा दूर डिगा है, ट्राली वो मथे च वजी है, टंग वो टुट गई है, वो टुटी जी जबान चा से मैं उतो लंघ रहा सी कितों ते तू उधर लैन की गया सी तुम्हें क्या अब हो गया। वो बेचारा वो स्टोरी उसको 20 बंदों को सुनानी पड़ती है। अगर उसको हॉस्पिटल में उन्होंने कह दिया कि आप कुछ 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखेंगे, तीसरे दिन वो हॉस्पिटल वालों कह रहा था यार किसी तरीके से मुझे यहाँ से निकालो, कहते नहीं नहीं आपको बेड रेस्ट की, नहीं नहीं मुझे वो मसला नहीं, मुझे ये जो आ रहे हैं मुझे इनसे मसला है। अच्छा हमेशा गलत चीज़ें लेके जा रहे होंगे, मैं खुद अस्पताल रहा हूँ तो मुझे पता है गलत। गर्मियाँ जो उबले अंडे फड़े हुए ने, जून का महीना चल रहा है उन्हें यखनी दे रहे ने, वो कह मैं मंगाई नहीं है, नहीं यदि नाल ताकत आती है इससे ताकत आती है, तो वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो उससे क्या होता है उसे बंदे मार जाते हैं, वो जो ड्रिप लगी हुई है उसके अंदर जो इंजेक्शन लगे हैं उन्हें पता नहीं ना, बेमौसमा फ्रूट लैके वड़ जाएंगे अंदर एवं 2.5 किलो सेब चुक ले, और जो ही वो मेडिकल वार्ड में घुसे हैं तो आगे डॉक्टर कह रहा है अभी इनको खाने की कोई चीज़ नहीं देनी, 2 दिन के लिए सिर्फ उस पे रहेंगे ड्रिप्स पे। अच्छा चलो रख दो इतने बाद च खा लेगा, तो बाद च खा लेगा मामा सौरियां दे आया क्यों खा लिया, कहानियां ओवर एक्टिंग और मैं कहता अन्ने वाह वाली तो है ना ओवर एक्टिंग। मैं 2-3 चीज़ें सीधा सीधा गिनवा देता हूँ, बाद में इस पर बात करेंगे। जैसे अब यूट्यूब चैनल बनाने का तूफान, हर बंदा ओवर एक्टर बना हुआ है, टिकटॉक हर बंदा ओवर एक्टर, सबको लग रहा हम सब स्टार हैं, सब लाखों रुपए कमा रहे हैं, 5,000 मांग लो माँ मर जाती है। हर बंदे को जो अच्छा बंदे तो छोड़े मुझे यंगस्टर पे अफसोस है, 100 बंदा ना लड़का पाकिस्तान में, 80 इस काम में लग गया, 20 हैं जो बाकी कामों में लग के पैसे कमा रहे हैं, बाकी 80 इन चक्करों में इंतजार कर रहे हैं, ये मिलियन हो जाए ना एक दफा तो मेरे डॉलर आने शुरू हो जाएंगे। 2.5 साल वो इस चक्कर में पड़ रहा था, 2.5 साल बाद वो कहता लानत भेजो इस यूट्यूब पे भी, लानत भेजो यार इस चैनल पे भी, मैं अब्बू की जगह नौकरी कर लेता हूँ, तब तक अब्बू रिटायर हो चुके हैं। अखियां दे विच डुब के मर जान नू जी करदा, ये आवाज़ है सजाद हैदर की, और सजाद हैदर एक बड़ी मारूफ सिंगर हैं हुमैरा अरशद, ये उनके भाई हैं, और इन्होंने ये एक ही एल्बम किया था आज से कई साल पहले, और उसके बाद ये मंजर आम से गायब हो गए एज ए सिंगर। आजकल ये उनके साथ उनके शोज़ में प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, मैंने बहुत सारे उनके इवेंट्स होस्ट किए हैं तो मैं इसलिए इनको जानता हूँ। और इनकी एक और सिस्टर हैं, उनका नाम मुझे भूल गया, उनका एक ट्रैक बहुत सुपर हिट हुआ था, वैरिया लैके ना दिता तू दुबट्टा लैरिया वैरिया, इस तरह करके एक ट्रैक था बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, वो भी इनकी सिस्टर है। बहरहाल ये खुद बड़े सुरीले शख्स हैं और इनका ये एल्बम बड़ा हिट हुआ था, फिर उसके बाद ये क्यों नहीं इन्होंने गाया आई डोंट नो। यहाँ हो सकता है ये इनकी ये बात सुनी गई हो कि तेरी अखियां दे विच डूब के मर जान में जी करदा, ते मर गयो अगली ने निकलनी ना दिता हो, उसने आंखें मीट ली हो, आंखें मीट ना समझते हैं, बंद कर ली क्लो आईज क्लोज्ड होता है ना, एवं तेनी ढोला तेरे पिछे पिछे आनी आ, ओदे विचों कहंदी नहीं। होर मैनू कित्थे लै जावेंगा कसीट के,
प्यार वाली बेड़ी विच मैं ते अखां मीट के ओ, 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 ओ किन्ने साल होए मार दिती छाल आंधा तेरे लई रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा नां कड़िया वे मैं बड़े आई चावा नाल आंधा तेरे लई उई इसमें मीट का लफ्ज था। पंजाबी में बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, लाइक कभी कभी आपको अचानक से एक गहरी खाई में फेंक देते हैं कुछ लफ्ज़, उसमें ये चटे मीठे भी है। बहुत सारे बहुत कम लोग जो हैं वो कहते हैं चटे मीठे, ये बहुत पुराने लोग जो ज़रा 50 ईयर्स से ज़्यादा के हैं वो ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अब पंजाबी में भी इम्प्रोवाइजेशन हो चुकी हुई है और जो यंग जनरेशन है उसने इसको बड़ा सादा सा कर दिया है। तो चटे मीठे भी होता था कि फौरन फौरन आते जाते, यानी बार बार चटे मीठे, चेता नहीं रहा मेरे चेते, बड़े चेते आउंदे, गाना सुपर हिट होया सी ना, वो चेते क्या है, ख्याल, चेते आंदा है, मैनू ख्याल आंदा, मैनू याद आंदा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ओवर एक्टर्स, तो ये आपको हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और चार लोग खड़े होंगे तो चार जो तीमारदारी के लिए गए होते हैं उनकी शक्लों पे लिखा हुआ होता है जैसे वो ताजियत के लिए आए हुए हैं। इतनी दर्द मरीज को नहीं हो रही होती जितनी उनके चेहरे पे यहाँ होती है। हालांकि ये वो वक्त होता है जब आप किसी को बकअप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ज़हनी तौर पे आपने उसको पक्का करना है कि नहीं तूने इस बीमारी से लड़ना है, कुछ नहीं होगा, दो दिन में तू यस हो जाएगा। जैसे हमारी तरफ यार संगी हैं, यार संगी बेस्ट होते हैं। ये तीमारदारी में जब रिश्तेदार और बाकी लोग पढ़ते हैं ना तो ये बिल्कुल बेड़ी गर्क कर देते हैं। संगी इज़ बेस्ट। आप उसके पास खड़े होकर कहें मेरी नौकरी चली गई, वो आपकी बात सुन रहा होता है, अच्छा आप कहें यार मुझे उसने छोड़ दिया, अच्छा 2.5 लाख कर्जे थे लें, अच्छा चार बातें आपने सुनाई जो ज़िंदगी के वर्स्ट एक्सपीरियंस है और आपके साथ अभी अभी हुए हैं, आपकी हालत गैर है, वो जेब से सिगरेट निकाल के ना चल तू सिगरेट लाना बैठ बात करते हैं, बस उसको लगा ओके फाइन तू बैठ, वो उस एरिया में उस सिनेरियो में भी उसको जाने नहीं दे रहा उसका दोस्त, बैठ यार दो चाय ला यार, हाँ बता क्या हुआ है, वो कहना यार मेरे ना लेंज हो या मेरे ना लोन जाए, नहीं नहीं ठीक है कोई नहीं चल हो गया यार लानत भाई यार, आ चल सूजो वाटर चलने, आ मैं तो आए वो जंगली कुकड़ आया वो खाते हैं। एक और एक तरफ ये होते हैं, एक पूछेगा कि होया कि थे तू, वो कह जी मैं वो मोटरसाइकिल से गिरा, दूसरा कत था दे हो जाए शुरू, वो दूसरे कहते जी मैं वो सरिया चौक, तीसरा उत लार की क्या सी, वो मैं जी अम्मी ने भेजा सा, बस यही गला रह गया ना घर आ मुंडे का बेड़ा कर कर लिया बस को जीनी तौर। अच्छा बीच में कुछ मैं हॉस्पिटल था हार्ट अटैक में, मैं नाम ले दूं तो कसम से सही आप लोगों को समझ में आए, मारूफ शख्सियत है वो मेरा पता करने आए, और वो बजाय इसके मेरा पता कर रहे बड़े आराम से बड़े पुरकशिश अंदाज में, मारूफ शख्सियत है टीवी रेडियो की, अरे भाई मुझे क्या कह रहा है, मुझे दूसरा दिन है स्टंट डाल गए, और वो किससे कौन से सुना रहा है, थोड़ी सी इयादत के बाद मेरे कज़न को हुआ, इज़ जस्ट 32 ईयर्स ओल्ड, डजंट सर्वाइव, ओनली 10 मिनट्स। अच्छा मैं लेटा हूँ, मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं कहा क्यों, कहता बस वो ये बस अलग काम है, मैं कहा ये तुम्हें पता, ज़ाहिर है ऑफकोर्स ये अलग काम है, हो रे नू बिल गेट तो नहीं चला रहे हैं ये तो मैनू पता है, नवी गल कर, उसने दो तीन ना फौतगी की खबरें से सुनानी शुरू कर दी कि एक को तब हुआ था ऐसे हो गया, एक को ऐसे हुआ ऐसे हो गया, फिर उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी पे ले गया। मैंने 5-7 मिनट भाई साहब की बकवास ही सुनी, उसके बाद मैंने छोटी उमरी को बुलाया, मैं कहरा मैं कह इसको लाते ठुड्डे जो मार सकता मार के बाहर फेंक दे, हाँ मैंने कहा इसको बाहर फेंक दे, और इसी तरह कहा, वो बिल्कुल हैरान हो गए, भट्टी साहब आप तो बिल्कुल ही है, मैं कब बाहर निकाल इसको, ये कौन है, मैं क्या यार ये खबरें देखो, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी को हौसला देते हैं तो मोटिवेट करते हैं, उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, यानी रश लगा दें। मैं ओवर एक्टिंग की मिसाल आपको दूं, एयरपोर्ट पे एक बंदा बाहर से हज करके आ रहा है, पूरी वैगन उसको लेने गई हुई है भर के, हार उन्होंने इंज पा रहे हो 92 का वर्ल्ड कप उन्हें जीत्या, घर जाके डाल लो, मोहल्ले में अपने ये सारा कर लो, उस एयरपोर्ट पे तो और दुनिया भी आ रही होगी, किसी की डेड बॉडी आ रही होगी तो किसी का क्या आ रहा होगा, तो किसी का क्या आ रहा होगा,
उधर जगह नहीं मिलती, आप यकीन करें। मैंने तो ये फेस किया ना, आपने भी किया होगा, अगर नहीं किसी ने किया तो कर ले ये एक्सपीरियंस। अब तो खैर कोरोना है तो अब तो बहुत बचत होगी, वरना भैया यहाँ पे तो वो ऐसा रश मचाते हैं कि वो आ रही 150 बंदों की फ्लाइट है, 150 लेने वाला हो गया 300, तो 300 ना नाल वैसे आया है। बहुत सारे लोग गांव से या किसी दूसरी जगह से एयरपोर्ट देखने आए हुए होते हैं। अच्छा जो जो आ रहा है वो गाड़ी और में जा रहा है, वैगन में आए थे, वैगन में ही जा रहे हैं। कूलर रखे है बीच। बेटे बड़ा दामने को एयरपोर्ट बने है, बड़ा ये मंगला डैम है जिथे पैराग्लाइडिंग करनी सी। बस एक दो बंदे आए, उसको घर ले जाएं, घर जाके मिले, मुबारक दें, उसका हाल पूछें, दुआएं लें, जो उन्हें जनाब खजूरां ते जमजम ले आया वो लवो तुसी। उत्थे जनाब उन्हें लाल हार इन्ने को पा दिते। अच्छा बाबा उत्थे नहीं घबराया गर्मी च हज करके, जिन्ना वो इत्थे आ गए घबरा गए, तो उन्हें चक्कर आ गए, बाबा उत्थे डिग पिया एयरपोर्ट ते। ओहो अब्बा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब्बा जी के उत्ते 500 बंदा चढ़िया, अब्बा जी नूं सांह ही नहीं आया। इनिया जफियां पा ली है, वो ईद वाले दिन नहीं पाई उन्होंने कभी। कौन है यार, दे आर ओवर एक्टर्स। अनदर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, ऑन सुनो एफएम, एफएम रेडियो नेटवर्क। क्वारंटीन करना कोई आसान काम थोड़ी है, हमेशा एक ही टेंशन लगी रहती थी कि घर पे किसी और को ना हो जाए। सांस लेने की कदर तब होती है जब सांस उखड़ कर आता है। इस वैक्सीन से एक उम्मीद जागी है, इसे जाया मत होने दें। 1166 पर CNIC नंबर अभी SMS करके रजिस्टर करें, अपनी और अपनों की वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त करवाएं। ये पैगाम आप तक जायज केयर्स और NCOC के तआवुन से पहुंचाया गया है। डरना नहीं, बचना है। वेलकम बैक जी, बहुत शानदार मैसेज है जो ब्रेक की सूरत में आप तक पहुंचा। तो आपने 1166 पे रजिस्टर होना है और वाकई ये वैक्सीन लगवानी है, सीरियस नोट पे, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम नॉर्मल लाइफ की जानेब वापस बढ़ें। कल रात 3 बजे इस्लामाबाद में बारिश, अन्ने वा सुबह 10 बजे तक, तो मुझे याद आया हसीन मंजर था, नीले रंग की टैंकी के साथ मैं बैठा रहा, प्लास्टिक की लगी हुई हमारे घर। सलीम जावेद भाई की ये आवाज़ सुने FM 89.4, ये है इस्लामाबाद, सुरीले सिंगर। साथियों साथ आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, उसके लिए आपको टाइप करना होगा SUNO सुनो, जी हाँ, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट और हच को लेके। हच कोला समझते हैं, डगमगाना, हेजिटेट हो जाना, किसी चीज से डर जाना, कप कपी, यस नर्वस। तो अंग्रेजी में फिर कहते नहीं है टेक इट इजी, डोंट बी नर्वस। हैं ये नवे नवे जब डॉक्टर बनते हैं, हैं जी, ये नवे नवे डॉक्टर बनते हैं ना, तो जो इनका पहला पहला ऑपरेशन होता है ना, उसमें बहुत मजा आता है, मैंने देखा हुआ है, मेरे दोस्त बने हैं ना, मुझे बहुत मजा आया। वो हाथ ना कांप रहे होते हैं, वो पहली पहली बारी ना हो जाए शुरू। अरे एक ह्यूमन बीइंग उसकी बॉडी पड़ी है, आपने जनाब चीर फाड़ ये वो, तो वेरी फर्स्ट टाइम जो होता है ना, तो उसमें कहते हैं योर फर्स्ट टाइम, यस, डोंट बी नर्वस, फोकस करें, फोकस है। इसी तरह आप लोग भी फोकस करें अपने मैसेज पर। अगर आप दुखी शायरी, जानलेवा टोटके, बिला वजह की नसीहतें, इधर उधर से अच्छी बातें कॉपी पेस्ट करके, आगे एडिट करके, अपना नाम लिख के मेरे और लोगों पर, पूरी कौम पर अपना जाली अक्स डालना चाहते हैं मशहूरी का, तो डाल लें, नो प्रॉब्लम। हम तो पहले भी नहीं घबराए, अब भी नहीं घबराएंगे। So just type SUNO, SUNO, then space your text message and send in to 888-1. SUNO लिखेंगे, space देंगे, अपना नाम ऐसे लिखेंगे और भेज देंगे 8881 पर। मोहब्बत दे सहारे ते असां दिन चार जी लेना है जी, वो कहते ना चार दिन की है। और मुझसे पूछा जा रहा है कि आप किस दिन शो करते हैं, किस दिन, मैं दिन को शो ही नहीं करता। मैं तो रात को शो करता हूँ।
I'm just kidding. Every Monday to Thursday, 10 to 12 a.m. Peer se Jumirat. Aur ye kehna mai Sadia Sahiba, she's from Karachi. Show bahut acha hai. Mazrai ka song play kar de. Akhaan billiyan suna de. Akhaan billiyan dikhai dikhate hote, sunate nahi hote. 250 de lens labde hai kise bhi saste optical store se leke laga lo. ग्रीक लड़की नुमान भाई अटक से सुन रहे हैं, कैसे भाई? बिल्कुल ठीक ठाक प्रोग्राम भाई को अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच. लाली की आवाज, अर्शद अवान, ही इज फ्रॉम खालापोल, यस ब्लैकपूल, ब्लैकपूल से फ्रॉम नेपाल, कराची में. अवे कैसे हो भैया? ठीक हो? क्या कर रहे हो? कहीं से कॉपी किया आपने ये मैसेज? क्योंकि आगे गुड नाइट लिखा हुआ ना, किसी यास्मीन के नाम से है, आगे एडिट करके ब्रैकेट में यास्मीन, उन्हें वो भी पे ही था, सबको पता लग गया. पकड़ेंगे कौन है आप? अर्शद दीवान पकड़ेंगे, आगे यास्मीन लिखा हुआ. क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं राबिया, आप कैसे हैं भाई? राबिया मेरी बहन, मैं ठीक हूँ. आप कैसी मेरी बहन राबिया? लिखिए उन्हें हूं राहिला फ्रॉम चाकबेली खान, राहिला रिलो रिलिए लाडियां. भाईजान कैसे हैं? गुल रईस सत्ती, प्रोग्राम इज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच. कासिम खान न्याजी, सिंध रेंजर से इनका ताल्लुक, कराची नाजमाबाद में ड्यूटी कर रहे हैं. और ये भाई कहते हैं, भड़ी साहब आपने ये देसी तर्ज की गपशप किस से सीखी है? गपशप सीखते हैं, बहुत अच्छी. अबे गपशप लगाई जाती है, अबे कौन लोग हैं यार, खुदाई कसम नास मार के रख देते हैं बात का. अबे गपशप लगाई जाती है, सीखी नहीं जाती. वेलकम बैक, हाउ दिन उजात, ये सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो. मैं हूं आरजे भट्टी, आपकी खिदमत में हाजिर. आप लोगों से मुलाकात होती है हर पीर से जुमेरात, सब 10 से 12 पीर वाले दिन कंबाइन शो होता है निके राजा साहब के साथ, और बाकी 3 दिन सोलो सोलो फ्लाइट है. हल्की हल्की मेरी बातों में सियासत आ रही है ना, बहुत फायदा है सियासत में. कुछ भी कह के कहो सियासी बयान था, जान छुट जाएगी. ये ऑन एयर है, यहाँ जान नहीं छुटती. शायद भाई हमें मुल्तान से सुन रहे हैं, नसीबों की आवाज़ कहते हैं, जरूर प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा. रहीम यार खान, मेरे को ट्रांसमिशन का इशू है. सो एमसीआर में जीशान सुन रहे हैं, यकीनन उसको सॉर्ट आउट करेंगे. मोहम्मद खालिद फ्रॉम मुजफ्फराबाद, इस वक्त जेलम हूँ, अफाज पाकिस्तान से ताल्लुक है. आप जीते रहें, खुश रहें, मौला आपको अपनी जबान में रखे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा पहला मैसेज आपके शो में, भड़ी साहब साडा भी मैसेज पढ़ लिया करो. कराची से सुफियान, ओके ब्रो मैं थोड़ा मैसेज पढ़ लिया वीरे, हूँ की एदा तवीज बना लीए, कंधा ते लिख दें, मनारे पाकिस्तान ते तेरे मैसेज का झंडा ला दें, होर की करा दस मैनू, तीन तलवार ते रेड़ियां लालमा फलूदे दियाँ. सलाम अर्ज है, दिल करता है आपके पास बैठकर आपको सुनूं, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, थैंक यू सो मच. अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने माशाल्लाह भी लिखा और दुआएं भी लिखकर भेजी, इनका नाम शमीम है. आप जीती रहें, खुश रहें, थैंक यू सो मच. नवीद भाई फ्रॉम खनवान, खनवाहा सिंध का इलाका है. प्रोग्राम हमेशा की तरह भाई को सुपर से भी और थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, बात तो तेने लिया जी वीरे, ज्यादा डोर से कट जाएगी ना पतंग. हाय भाई की फरमाइशें देखो, सिंध से बैठ के भाई ने फरमाइश कर दी है, और लेट मी चेक. कॉलर झाड़ ले, मौके को जान ले, सारे दीवाने मिले हैं एक जगह, काम शाम छोड़ थोड़ा रिफ्रेश मार ले, चुप करके शोर वाला मूड ले बना, थोड़े थोड़े सर फिरे, थोड़े थोड़े मन चले, सबका जादू यहाँ सर चढ़ के बोलेगा, रश भी टाइट है, टाइम भी राइट है, सबको दिखा दे यहाँ कितना रला डालेगा. Ufone and
and PTCL, proud communication partners of Islamabad United. कोई कोई कमर्शियल जो है मेरे दिल को लगता है जैसे भी ये चल रहा था कितना रोला डाले का आई लव इट आई लव इट। कभी भी कोई भी जुबान हो और जो जिसको नहीं बोलनी आती जब वो बोल रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे दो तीन दोस्त हैं मेरे साथ पले बड़े हैं और दे आर फ्रॉम KPK, बट वो जब उर्दू बोलते हैं तो मुझे बहुत शानदार लगते हैं। और जब मेरी पंजाबी में कुछ ना कुछ छोटे मोटे लव्स के अदरा वो जब बोलेंगे या मैं उनसे पंजाबी में कह रहा हूँगा कि यार आप हड़ाएं ज़रा मोबाइल, तो वो कहेगा खुद चुक ले, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है सुन के। फिर मैं जब उनकी पश्तों में शुरू होता हूँ दा ज़रा मीनकुम कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, या उनके कोई गाने में कॉपी करता हूँ तो वो बहुत इन्जॉय करते हैं कि यार वाह। जैसे एक मेरा दोस्त है ही इज़ फ्रॉम वज़ीरिस्तान और मैं कहता हूँ वज़ीरिस्तान दा पुख्तानो वतन दे, तो बड़ा खुश था आए मेरा यार आया मेरा जिगर आया, इसी चक्कर में तुम्हारा वही शोरवा खा के आ जाता है। और फिर जब बच्चे छोटे बच्चे हों और वो जब ताज़ा ताज़ा बोलना शुरू करते हैं तो वो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन में घर में बोले जा रहे होते हैं, और जब वो कॉपी पेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपको वो सबसे आला लग रहे होते हैं। तो इंसानी नेचर है, चीज़ें इसी तरह उसको अट्रैक्ट करती हैं। और मेरा ये जो सिंधी भाई है जो सिंध से मैसेज कर रहा था और उसको ये पसंद था बारिश पे की आवाज़ में, यकीनन उनके कालजे में ठंड पड़ गई होगी। नीलियाँ नशीलियाँ बलौरी अखा देख के नशा जब जया चढ़ गया वे, दिल दा पता नहीं तेरा के हो जेना होना, मैं ता मुखड़ा देख के मर गया नी है। एक तो ये चूहा नहीं चलता, माउस चल रहा है, सॉरी। हारिस भाई F6 से, F6 बोले तो इस्लामाबाद का एरिया, अगर आप मैं सही समझा हूँ, भाई को शो सुपर से डुपर और उससे भी लिखा ऊपर, और साथ भाई ने लिखा मुझे आई लव यू। तो हारिस भाई लव यू टू यार, कसम से कसम सौ रब दी हो गया यार तेना लव यू होर दस हारिस, क्योंकि छोटा जहा मैसेज है यकीनन उसके कलेजे जो खो पाई है, यानी उसको दिल से ये राह निकली कि आई लव यू। कौन बोलता है, कौन बोलता है किसी को, ये दौर ही ऐसा भैया। सेलफोन पे 6000 ऐप हैं, दुनिया जहान का फहश तरीन डाटा मौजूद है, लोग देख रहे हैं। अच्छा आप सोचते होंगे भट्टी साहब ये बातें क्यों करते हैं, क्योंकि भाई साहब एक सर्वे आता है, किसी को शायद मालूम नहीं कि कौन क्या देख रहा है, ऐसा नहीं है, पता है। IPs होती हैं, चीज़ें बहुत सारी जो नेट पे, ये सबको लगता है ना मैं फेसबुक कर ली थी मैंने, नहीं भाई, हर चीज़ का एक मैकेनिज्म है, हर चीज़ को ऊपर नज़र रखने के लिए एक इदारा होता है, हमें पता है, हम वो पढ़ लेते हैं, रिसर्च करते हैं किस मुल्क के किस शहर में क्या चीज़ ज़्यादा देखी गई है। ताड़ियाँ में गैलरियाँ दे जड़े लाग लगे खोल दें तो पसीने निकल आने ताडे, कितना रोला डालेगा, फिर मैं पूछूंगा कितना रोला डालेगा। यार जिन्ने भी मेरे पुलिस वाले लोग सुन रहे हैं ये, खासतौर पर सब इंस्पेक्टर लेवल पे और SHO पे, काइंडली आप अपने ड्राइंग रूम में लिखवाएं ये जो थाने का ड्राइंग रूम है के ओए बिड़ी बिड़ी ये थाना है कितना रोला डालेगा, इतने नहीं बेटे ये तेरे घर का ड्राइंग रूम नहीं है, जो तेरा दिल करे तो तू कहें कि भाई जी मैं उन्हें फोन करके तड़िया पेटियां लवा देंगे, बेटे मैं तेन इन्ने को लिदर फिरने की जी उत्ते पेटियां नहीं कपड़े वाली मैं ये लवानियाँ तेरे को। लैंग्वेज ही तब्दील हो जाती है। मेरे खुद कुछ कजन्स हैं जो एलीट फोर्स में भी हैं और एक इधर सब इंस्पेक्टर भी हैं, तो हम इनको ज़रा ज़्यादा करीब से जानते हैं, तो वो मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, आपको सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए बता रहा हूँ कि जब आप बाहर होते हैं थाने से दूर होते हैं जहाँ पे कोई वकूआ वाक्या गाड़ी रोकी गई आपकी कुछ भी, तो वहाँ आवाज़ लेवल
गुफ्तगू अंदाज मुख्तलिफ होता है। जैसे ही आप पुलिस स्टेशन के दरवाजे से अंदर जाते हैं, उसके बाद लैंग्वेज अंदाज सब बदल जाते हैं। उत्थे नहीं अगले के अफसर है तो ये है बड़े बहुत आवाजा आ रही है, बहुत आवाजा थले पे थे थले मोबाइल मोबाइल आए तो रखे थे बहुत मेरिया बेटियां लो आएगा बड़े तेरे घरों मुलाजम है मुलाजम सरकार के मुलाजम है ड्यूटी करनी बेटे ऐसी ड्यूटी नहीं हक साज की गल करेंगे बह जाओ थे। ऐसा पारा नहीं, बहुत सारे लोगों का मैंने पारा नीचे आते देखा है, वो जो आपने देखा होगा। अब मैं ये सब बातें इसलिए खुल के करता हूँ और आम लफ्ज़ों में करता हूँ ताकि आम आदमी को समझ आए। जैसे कि आजकल कोई भी पहले एक वीडियो आती है और उसके डेढ़ या दो दिन के बाद उसी बंदे की दूसरी वीडियो जब आती है तो क्या लिखा हुआ होता है साथ कि क्या हुआ क्या हुआ। सोचें ज़रा, मैं वक्त देता हूँ। ये जितने भी सोशल मीडिया पर सारे ही हैं, अब तो किसी का एक वीडियो आया, उसने कोई फजूल ऑल फॉल बात की, ठीक 12 घंटों के बाद उसी की वीडियो एक थाने में या किसी और कुर्सी पे बैठ के होती है और उसमें वो अपने सारे बयानात को नफी कर रहा होता है, तो क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर तब्दील हुआ है। ये वीडियोस बहुत वायरल होते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो तब्दील होते हैं ना, ये मैंने होते हुए देखे हैं। फारूक भाई मैं पढ़ता हूँ मैसेज, थोड़ी देर हौसला जरा सबर, लुका जी गल चल रही हैगी ये कि तड़ा खोटी चवानी वर्गा मुँह मैं अज ही सुने है। मैनू जेहन च आ गया लुका जी, दो मिनट लुका जी, मिस कॉल भी दे रहे ना कि मेरा मैसेज पढ़ लो, पढ़ लें मैसेज। एडा तू हकीम लुकमान दा शागिर्द, एडी तू करोना वाली वैक्सीन इजायद की होएगी कि मेरा मैसेज पहले पढ़ लो। बड़िया तू हरिया मिर्चा जनाब है नारंगी रंग की मिर्च करके उगाना शुरू कर दिता, बड़ा तुम्हारे खेतों में ट्रैक्टर उगते हैं। हाँ यानी कुछ तू नया कर दिया भाई ने, बड़ा खलाच जाके तू चिड़ी छिका खेडना है, बड़े तू परफ्यूम्ड पैंपर याद किते है, यानी क्या किया होगा मैसेज तो मैं पढ़ लेना। मैनू मेरी बात तो करने दो, मेरी कौम सुन रही है, वो क्या सोचेगी कि ये क्या गुफ्तगू हो रही है। ये एक अहले इल्म शख्स लोगों से मुखातब है, गो के उसके क्रेडिट पे 5-7 किताबें नहीं हैं और आजकल तो इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि जिसने 20 से ज्यादा किताबें लिखी उसे कोई जानता नहीं है, जिसने 10 सेकंड की बकवास की उसे पूरी दुनिया जानती है, जिसने पहले मैट्रिक किया फिर ग्रेजुएशन किया फिर मास्टर्स किया फिर एमफिल किया फिर पीएचडी की है, उन्हें अपने सारी कमाई लाई पढ़ाई की थी, उन्हें एक मेडल दे के कहते हाँ जी नहीं, तो एक किसी ना काम की जनानी आके 20 सेकंड की कोई गल कर जाती है सोशल मीडिया से, तो पूरा मुल्क उन्होंने कॉपी कर रहा होता है। तो ये भी हकीकतें हैं ना। 11 लई लान लगा मस्ती विद भट्टी। मुझे नहीं पता ये आवाज किसकी है लेकिन जेडी भी है ठीक कर गई। अच्छा मैसेज पूरा पढ़ना, ये स्टार्ट में लिख दिया मोहम्मद अब्दुल वहीद, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी और फ्रॉम लाहौर। भाई कैसे हैं आप? भाई आपकी आवाज शदीद शहद से भी ज़्यादा मीठी है। ओए मैं कहा शदीद से भी ज़्यादा अच्छी कहने लगे थे, मैं बाद में मैंने रोमन उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये मोहब्बतें हैं भाई की और कोयल से भी ज़्यादा सुरीली करती, ये मेरा ख्याल है। पहली गाल ठीक है लेकिन दूसरी तो मैंने लग रहा है कि ना तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये मोहब्बतें हैं भाई आपकी। आई एम जस्ट किडिंग, और आपकी आवाज़ में जादू है सर। ये मोहब्बतें हैं आपकी, आपने सुना आपको अच्छा लगता होगा, देसी अंदाज है और अपने कल्चर की बातें हैं, अपने मुल्क की बातें होती हैं और अपने लोगों की होती हैं, तो शायद आपको इसलिए लगता होगा। बहरहाल इस तारीफ़ का बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे, आप
कि अल्लाह ज़िंदगी करे आपका ताल्लुक अफ़ाज़ पाकिस्तान से, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरा प्यारा भाई अब्दुल वही, थैंक यू। दानिश रियाज इज़ फ्रॉम C104। अरे वाह भाई, तो बहुत करीब करीब के लौंडे लफाड़े आ रहे हैं। पहले F6 वाला भाई था। जी हाँ, मैं ज़रूर प्ले करूँगा दोस्त, आप थोड़ी देर बस ज़रा रख हौसला, नहीं बिल्लो रख हौसला, देख लूँगा यार तेरा कल्ले कल्ले नू, थोड़ा जा हौसला। दानिश भाई थैंक यू। कौशिक साहिबा दादू सिंध से कहती हैं, सदा सलामत रहें, कोई इतनी टेंशन में भी हो तो आपकी आवाज़ प्यारी बातें सुनकर दूर हो जाती है, देता कौन है ये टेंशन है तुम लोगों को, कौन है वो, नाम लो भाई उसका, मैं उसको बताऊं। अरे तुम्हें समझ नहीं आवे है, अभी मैं करता हूं इनका इलाज, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आगे बढ़ते हैं। एंड शी इज रियली एंड उन्होंने कहा कि प्लीज ये गुनगुना दें। कौन सा ये? अच्छा पाकिस्तानी है, ठीक है, पहले देखना पड़ता है कम मेरा क्या, मैं फ्लो में इना नेड़े हो जाया पान लगी है ना दो हाय चन सजना वे नेड़े नेड़े हो ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो कहदियाँ निगावां मैं थो दूर ना खलो हाय चन सजना वे नेड़े नेड़े हो जदों कदी तेरे नाल अख लड़ गई मैनू बिन पीते शराबी कर गई ओ जदों कदी तेरे नाल अख लड़ गई मैनू बिन पीते शराबी कर गई एना नेड़े हो जाया पान लगी ए ना दो हाय सावां विचों आवे मैनू तेरी खुशबू हाय। इस तो पहले मेरा ख्वाब सच्चा हो जाए मैं मैसेज पढ़ी ला, मैं इत्थे अपने प्यार मोहब्बत च लगा। फिर इस टेक्स्ट मैसेज, यस सो ये जी मैसेज है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम भड़ी साहब, कल प्रोग्राम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जैसे आप बहुत अच्छे हैं, हम रेगुलर प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत शौक से सुनते हैं, एंड लव यू अ लॉट। फारूक भड़ी साहब, उस्मान बली, मोहम्मद अली, शेख वसीम हमसा, महर सनी भाई, इनामुल्ला साहब, अर्जुन राम साहब, और कह रहे हैं कि अपना गाना खाओ पियो ऐश करो मित्रों ज़रूर सुनाइएगा। नसीराबाद लाहौर से मैसेज है, और ये हमारे बड़े प्यारे से चचा जान हैं, देखें मेरी उर्दू आप चेक करें, चाचू भी कह सकता सी मैं, चचा जान एहतराम का लेवल है भाई। सो चचा जान फारूक थैंक यू, बहुत शुक्रिया, पान वाली दुकान पे बैठ के आप सारे लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, बाकी सब ठीक है। आपने जितने नाम लिखे उसमें एक नाम आपने लिखा हुआ अर्जुन रामपाल, ये भी हैं वहाँ पर मौजूद। अब ये पता नहीं क्योंकि मुझे जितना याद है, मैं जितना नसीराबाद रहा हूँ वहाँ लाहौर हमारा घर है, तो मुझे ये पता है कि वहाँ पर खलील को खीला कहा जाता है, साजिद को सजू, तो यकीनन तौर पे इनका भी कोई नाम और है, और इनका ये नाम पक्का हो चुका है वहाँ, क्योंकि ये जो निक नेम्स होते हैं ये इतनी बुरी तरह वायरल होते हैं मोहल्लों में कि अच्छी खासी एजड माई भी कह रही होगी उन्होंने उसे ना ना ली, जिस ना ना मशहूर है खीले पुत्र किधर चला है, तो खीले के आगे से दो बच्चे होंगे। मैं आपको ये दावे से बता रहा हूँ, मैं आपको दावे से बता रहा हूँ कि एक हमारे वहाँ साहब हैं, अब वो 45 के हो चुके होंगे, उनका बहुत प्यारा नाम है, अब मैं उनका असली नाम इसलिए नहीं लूँगा कि अच्छा नहीं लगता, कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका नाम मल्ले में बांदरी पड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन से दोस्त उसको कह रहे थे किसी गाल तो, वो आज तक को हुई है, लेकिन वो माइंड नहीं अब करते, क्यों करेंगे, मिठू गुड्डू बाऊ तक तो ठीक है, रेड़ा कोई नाम हो सकता है, रेड़ा एक रेड़ा है जैसे कि आगे गधा घोड़ा लगाओ पीछे रेड़ा लगाते हैं, अब एक बंदे का नाम है वो नाम नहीं लेता, नाम के आगे रेड़ा लगाया हुआ है, यानी फर्ज करो कोई XYZ नेम तक गिरेड़ा, वो रेड़े किधर चला है,
ਓਏ ਰੇੜੇ ਚੱਲ ਪਾਰਕ ਚੱਲੀਏ ਓਏ ਮੈਚ ਹੈ ਗਈ ਰੇੜੇ ਓਏ ਪੇਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੇੜੇ ਅਬ ਰੇੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਰੇੜੇ ਕਿੱਧਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਾ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਚੁੰਗੀ ਧੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ये जितनों के मैंने नाम लिए ये अभी तक आउट ऑफ कंट्री नहीं गए क्योंकि ये जाके अगर एयरपोर्ट दे कैन नो कैन व्हाट्स योर गुड नेम रेड़ा ओके पता नहीं होने इनू धक्का लाना है या इनू वीजा लाना है व्हाट कैन आई डू माय नेम इज खीला बांद्री ओके चलो गाली खत्म ये इधर ही है ये मोहब्बतें ये प्यार इधर ही है ये भी एक प्यार है ये खलूस है आप अंदाज़ा करें जिसके साथ ये हो रहा होगा उसको कितने ही लोग चाहते होंगे कितने को गहरे होंगे उसके साथ कि ये उसी के साथ ही हैं हर एक के साथ ये मोहब्बतें पेश आती भी नहीं लोग तरसते हैं ना ऐसी मोहब्बतों को कि मैं हर किसी की ज़ुबान पर हूँ तो वो कितना को उनकी आंखों का तारा होगा उस मोहल्ले का वो लड़का वो बंदा वो शख्स जिसके साथ वो ये मोहब्बतें कर रहे हैं भाई, हो जा शुरू। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो थोड़े से बड़े होते हैं ना तो उनको बुरा भी लगता है मेरे फैसलाबाद वाली साइड पर एक साहब हैं उनके साथ इस तरह का मजाक किया जाता रहा पूरे बचपन से जवानी तक तो उन्होंने शहर में दुकान डाल ली और दुकान बड़ी अच्छी कॉर्नर की वो शॉप उन्होंने ली करियाना स्टोर तो हम लोग जब भी वहाँ से गुजरते गाड़ी पर या बाइक पर तो बाइक पे होते तो वो दुकान ऐसी जगह पे कि वहाँ से आप टर्न लेते हैं तो आप नज़र नहीं आते तो आप जो ही टर्न लें आप उसका वही वाला नाम ले उधर चाहे पांच गाग खड़े हैं वो भी मुड़ के देखते थे और वो भी अंदर से देखता था तो उसने क्या किया अब वो सियाणा था उसको पता था कि इस्लामाबाद से आए हुए हैं मेरे दोस्त आए हुए हैं उन्हें की किया पंजाबी च दसदा उन्हें एक ना शीशा सामने दीवार ते लाता कि मैनू इधरों भी नज़र आए जिहड़े आ रहे ने लोग कौन ने लो जी असी गड्डी मोड़ी है हमने गाड़ी का टर्न लिया शीशा नीचे किया है तो जूं ही हमने शीशा नीचे करके आवाज़ लगाने लगे ना तो वो काउंटर के नीचे हो गया है यानी वो काउंटर के नीचे छुप गया है तो हमने उसकी वही वाला नाम लेके ना उसको वो आवाज़ दी ओए फलाने तो वो निकला नहीं है सिर्फ ऊपर से हाथ निकाला काउंटर से कहता मैं है ही नहीं मैं दुकान च है ही नहीं कि जाओ दफा हो जाओ तुम्हारी बातें जाया होगी वो छुप गया उन्हें कहा मैं हूं है ही नहीं जाओ गाहक भी उसकी शक्ल देख रहे कि वो है किधर नीचे घुस गया उसने कहा बात ठीक है आज के बाद ये चलेगा हमने नहीं फिर उसके बाद कहा कि यार छुप जाना है ऐसे भी दुनिया है ना कि जो देख के छुप जाए कि यार मैनू लभणगे यानी ढूंढ के मेरा नाम बिगाड़ेंगे ना तो ढूंढ ले तो ये बड़ी बात है ये मोहब्बतें ये ऐसे नहीं होती देखा है ना आपने ये दौर जिससे हम गुजर रहे हैं लोग कितना पैसा लगाकर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें उनके हाथ में बैनर्स देके नारे नहीं लगवाते कि मेरे नाम के लगाओ एक तरफ ये सिचुएशन है कि आप पैसा बहाएं लोग इकट्ठे करें उनकी जरूरियात को पूरा करके उनका खलूस हासिल करने की कोशिश करें और एक तरफ बेलौस मोहब्बतें फिर रही हैं कुछ लेन देन नहीं है और वो आपके पीछे हैं और आपको ढूंढ रहे हैं कि यार इन्हू लाभ के दी बेइज्जती करनी और वो तो पेप्सी पी रहा छुप के ना वो नहीं आ रहा आ ही नहीं रहा वो तो फोन ते कह रहा मैं शहरों बाहर हाँ और पिछले रक्षा की आवाज़ा आ रही कि बेटे इतने कितने महल्ले जी है ये आवाज़ा कि तो आ ही नहीं सकती जड़ियाँ ये पिछु बालों दी आ रही हैं क्योंकि हमें पता है कि ये कोई इन्ने पैसे ही नहीं कि कगान नरान बच्चे ले जाए ये इधर ही कहीं छुपा हुआ है इसको ढूंढो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही तो आए आपको मोहब्बतों की दास्तानें और भी सुना दो मुझे मैसेज की समझ नहीं हमजा भाई लाहौर से इतना समझ आ रहा है बहुत बहुत शुक्रिया और साथ उन्होंने लिख के भेजा है कि अल्लाह आपको कामिल हिदायत नसीब करे आमीन थैंक यू वेरी मच अल्लाह सबको करे मेरे दोस्त सिर्फ मेनू कल्ले नू क्यों अल्लाह तुहानू भी देवे अल्लाह तुहानू अकल भी देवे अल्लाह ताडे सेंच बिरयानी दियां बोटियां कड्ढे कदी चौल भी खाया करो इदां दे बंदे ना ब्याह ते जाके ते सलाद तरोस जांदे हां कि सलाद नहीं मैनू मिलिया हालांकि वो सस्ता बाकी चीज़ां महंगी है
वो घर से जेन बनाया होता ना, मैं रोज जाना है भाई, किसी वजह से रुस्या आया है शदीद, और वाकई ऐसा होगा। बहरहाल ये हैं जी आज़ाद जम्मू कश्मीर से सैयद हसनात अली साहब, शो इज सुपर एंड अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दी, आमीन, जज़ाकअल्लाह। बड़ी मोहब्बत आज़ाद जम्मू कश्मीर से आपने याद किया सैयद हसनात साहब। सखे गुल फ्रॉम सखर सिंध का इलाका, काश भड़ी साहब आप ऐसे जो होते तो बहुत मज़ा आता होते ना ये तो बस। बाकी इन्होंने ये भी लिखा आगे, उन्होंने ताज़ी रातें फलाना ये कैदे बा मुशक्कत वाली चीज़ें भी सारी लिखी कि ऐसे होता है वैसे होता है, वैसा है नहीं। चलो भाई इंजॉयमेंट ख़त्म, छुट्टी का टाइम हो गया, बैल बजने वाली है, जैसे स्कूल में नहीं बजती होती वैसे। सो ख़वातीन उस्ताद अब आपसे फिर मुलाकात होगी, और बशर्ते ज़िंदगी इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की गम और परेशानी से दूर रखे और इस सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। मैं ज़िंदा रहा ये सांसें चलती रहीं तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो जाएगी। मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई है तो मैं उसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द-गिर्द के लोगों का, अपने वालिदैन का और इस धरती का, ये धरती मेरी माँ है मावा, ठंडियाँ छावा होंदियाँ, जन्नत दियाँ हवावं होंदियाँ, सोने सच्चे रब दे हवाले, लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।